आगे लगा देंगे GBL GTO कॉम्प्लेंट, पीछे लगाएंगे GTO कॉम्प्लेंट, चारों GTO कॉम्प्लेंट का अपग्रेडेशन रहने वाला भी है। 1400 रुपए का अपनी फॉग लैंप आता है, 800 की इसकी डिलीवरिंग आती है। अलॉय लगा दिया मारुति जेन्युइन पार्ट विद कैप विद अलॉय, प्रॉपर ABS में रहने वाला है ब्रेजा की बैजिंग के साथ। ये अगेन कॉफी और ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ जो है यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। सेंटर में आप यहाँ पे प्रॉपर बर्फी डिजाइन वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। ऑफ कुशनिंग कर दिया विद बर्फी के साथ, K4 लगा दिया भैया, इसकी कॉस्टिंग 6500 रुपए रहती है। अगर आप K3 लगा दें उसकी कॉस्टिंग 5500 रुपए रहती है। एंड्रॉइड डैप्स का 4GB रैम 64GB मेमोरी विद एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड के साथ। जिन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट थी सब चीजें आपको यहाँ पर मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बात किया काम की फिनिशिंग वगैरह की, कैसा लगा काम आपको? बढ़िया, एक नंबर। तो जो चीज आपने वीडियोस के अंदर चेक करी वही चीज आपको यहाँ पे मिलती है? हाँ, वही वही। ऐसा तो नहीं वीडियो में हम लोग दिखाते कुछ है और यहाँ पे नहीं, वैसा नहीं, ऐसा होता। कुछ नहीं है बड़े भाई, जो चीज आपको वीडियो में मिलती है वैसे ही काम आपको मिल जाता है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ अभी तिवारी कार एक्सचेंज सीरीज करोल बाग में, और अगेन अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। हमेशा की तरह सबसे पहले मिलते हैं बिट्टू भाई से। बिट्टू भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। तो ब्रेजा का कौन सा वेरिएंट रहने वाला अपना? ये ब्रेजा रहेगी LXi के अंदर। ठीक है, बेस मॉडल गाड़ी रहने वाली है और बिल्कुल जस्ट गाड़ी से डिलीवरी शोरूम से डिलीवरी होगी भैया हमारे पास आ गया काम कराने के लिए। तो अभी फुल माला जो है वो भी नहीं उतरी है गाड़ी पर से, और लगभग सारा का सारा काम होगा बेस टू टॉप का। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मिंडा की फॉगलैम लगाएंगे भैया, उसमें लगाएंगे 140 वॉट की LED। तो अभी आप बिफोर लुक जो है वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, अभी फॉगलैम का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। साथ में हेडलाइट लगाएंगे 250 वॉट की LED। ठीक है जी, साथ में लगाएंगे भी फ्रंट पे ABS गाड़ी स्क्रिप्टेड जो भी होगा भैया अभी डिसीजन बता देंगे अपना। ठीक है, ठीक है। साथ में साइड प्रोफाइल से लेंगे, अलॉय पे वर्किंग चल रही है अपनी, जेन्युइन मारुति वाले के जेन्युइन जो है वो अपने रहने वाले हैं। साइड प्रोफाइल में ये भैया ने कंपनी से लगाई, इसको हटा के क्रोम वाला लगाएंगे डोर वाइजर। ठीक है, इसको रिप्लेस किया जाएगा, कंपनी में स्टॉक नहीं था तो उन्होंने ये लगा दिया। ठीक है, विंडो गार्निश लगाएंगे। ठीक है, साइड विंडो भैया की कंपनी से पहले लगी हुई है तो इसमें कोई अपडेट नहीं रहेगा। साथ में गाड़ी में हो रही है प्रॉपर्ली डबल लेयर की डैम्पिंग, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं विप्रो मैट की डैम्पिंग हो रही है। और कितनी सीट लग जाएगी? 8 सीट भैया, 8 सीट जो है वो अपनी रहने वाली है। इनर हैंडल चेंज हो चुके हैं जेन्युइन मारुति का टॉप मॉडल वाला। ठीक है, आगे लगा देंगे GBL GTO कॉम्प्लेंट, पीछे लगाएंगे GTO कॉम्प्लेंट, चारों GTO कॉम्प्लेंट का अपग्रेडेशन रहने वाला भी है। तो ये पूरा सेटअप जो है वो कॉम्प्लेंट का रहेगा और GTO सीरीज का जो है वो रहने वाला है। इधर लगा नहीं, बिफोर लुक चेक कर सकते हैं और अपना बॉक्स जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, साथ में भी लगेगा डैशबोर्ड किट मारुति जेन्युइन वाला, ये अपना कॉफी विद सिल्वर इंसर्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, स्टीयरिंग अपग्रेड होगा मारुति जेन्युइन पार्ट वाला। ठीक है, तो इसका भी काम स्टार्ट है, हब वगैरह जो है वो खुल चुका है, स्टीयरिंग चेंज करना है। कौन ZXi लगेगा? ZXi लगेगा अभी, अभी ZXi वाला। हाँ, ठीक है, साथ में चेकमेट वाली फ्लोरिंग अपनी हो चुकी है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका भी काम जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल, साथ में फ्रंट USB रियर व्हील दोनों पार्ट लगेगा मारुति जेन्युइन, आर्मरेस्ट लग चुका है अपना। हाँ जी, ठीक है, बाकी अभी ऑडियो पे मेन काम है इसके अंदर। ठीक है, बाकी अलॉयज पे मेन वर्किंग है। रूफ व्हील लगेगा गाड़ी के अंदर, ये पेस्टिंग वाली। हाँ जी, पेस्टिंग वाली, पीछे रिफ्लेक्टर लाइट लगने वाली अपनी। ठीक है जी, बाकी आप चेक करोगे तो एम्बिएंट लाइट जो है वो भी रहेगी। ठीक है जी, तो ये सब अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। बाकी रियर में आप चेक करोगे, रियर हेडरेस्ट वगैरह के ऊपर काम कंप्लीट अपना हो चुका है, हो चुका है तो मैक्सिमम काम जो है वो अपना हो चुका है। अब जो काम बचा है कंप्लीट होता है फिर आप लोग चेक करवाते हैं। तो दोस्तों अपनी ब्रेजा का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और गाड़ी आ चुकी है अपनी दूसरी वाली शॉप पर। अब मिलते हैं बिट्टू भाई से और जानते हैं क्या कुछ एक्सेसरीज जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। लगभग भैया सारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और इसके अंदर जो काम हो उसे बेस टू टॉप मॉडिफिकेशन कहेंगे अपन। ठीक है, इसमें जो काम है सबसे पहले मिंडा की फॉग लैंप, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है। उसमें हमने लगाया 140 वॉट की LED। ठीक है, साथ में हेडलाइट में हमने लगा दी 250 वॉट की LED। तो कंप्लीट लाइटिंग सेटअप जो है वो आपको LED बेस्ड यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। और अभी सूरज डूबा नहीं है, सामने रिस्पॉन्स जो है वो आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, क्या कुछ की बात करते हैं अपन। तो 1400 रुपए की अपनी फॉग लैंप आता है, 800 की इसकी डिलीवरिंग आती है फॉग लाइट की। हाँ जी, जो भी इसकी आप LED लगाएंगे उसकी कॉस्टिंग अलग से आ जाती है। ठीक है जी, 1000 रुपए से स्टार्ट है, 7500-8000 रुपए तक की रेंज में जाती है, जैसा आपको बजट वैसा पर लगवा सकते हो। सेम हेडलाइट में लगाई 250 वॉट की LED, उसकी भी सेम यही हिसाब रहता है। ऊपर की 2 साल की वारंटी है, नीचे की 1 साल की वारंटी होती है। और अपना पार्किंग बल्ब जो है वो भी यहाँ पे चेंज किया जा चुका है, ये भी अपना LED हो चुका है। तीन पार्ट अपने कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा से हो रखे हैं जून के अंदर, एक तो फॉग गार्निश जो भैया ने अपनी गाड़ी में रख लिया है, ग्रिल गार्निश जो कॉम्प्लीमेंट्री है जो गाड़ी में लगा दिया है। हाँ जी, साथ में एक रियर मिड रेंज रोवर अपना। ठीक है, ठीक है, और एक मैं रियर मिड गार्निश वो लगा दी है, वो आपको रियर में चलेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स रहेगा। ठीक है, ठीक है भैया, अलॉय लगा दिया मारुति जेन्युइन पार्ट विद कैप विद अलॉय, तो यहाँ पे ले लिए कंप्लीट जो है वो इंस्टॉलेशन हो चुका है इसका। यहाँ पे लुक जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, जेन्युइन मारुति का रहेगा भी, आप नहीं मर्जी इसको चेक करवा सकते हैं, ओरिजिनल पार्ट रहने वाला है मारुति का। ठीक है, ठीक है, साथ में रेन वाइजर लगा दिया 2350 की MRP लेस 61% ऑफ रहेगा। ठीक है, विंडो गार्निश लगा दिया 2250 की MRP लेस 61% ऑफ, साइड विंडो भी है कंपनी से लगा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, तो आपको दिखाया था उस टाइम पे क्रोम वाला डोर वाइजर नहीं था, ब्लैक लगा था, मैंने ब्लैक हटवा दिया, क्रोम लगवा लिया। ठीक है, अगर साइड विंडो भी हमसे लगा दिया तो इस पे भी 61% ऑफ रहता है इनके लिए। ठीक है, ठीक है भैया, साइड में आईपॉप लगा के दे दिया है, स्क्रैच गार्ड लगा दिया है, ये दो चीजें जो है वो आपको यहाँ पर और एडिशनल देखने को मिल जाएगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स हैं, इसके चार्जेबल होते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, बाकी जैसा प्यार मोहब्बत वो अलग मुद्दा रहता है।
बैक साइड से आएंगे तो बैक साइड से एक रियर मिड गार्निश लगा दिया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री अपना ठीक है जी। अब आगे पीछे लगा दिया भैया एबीएस गार्ड, इसके बैक साइड से डिफ्यूजर की कुछ ये रहने वाली है, आप देख लो। तो आप पहले बैक जो है वो चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके देखने को मिल जाएगी, ब्रेजर की प्रॉपर बैजिंग आपको मिल जाएगी और यहाँ पे डुअल मफलर डिजाइन जो है वो रहने वाला है और यहाँ पे प्रॉपर एबीएस गार्ड जो है वो इंस्टॉल किया जा चुका है। ये अपना रियर वाला पार्ट रहेगा, ये डुअल साइलेंसर वाला, इसमें आपको चार वाला भी मिल जाएगा, यहाँ पे कट वाला भी मिल जाएगा, जैसा कुछ वैसा मिल जाएगा ठीक है। ये भी एबीएस में रहेगा प्रॉपर, आगे वाला भी आप देख सकते हो प्रॉपर एबीएस में रहने वाला है। तो फ्रंट वाला भी जो है वो आपको चेक करवा देते हैं, प्रॉपर एबीएस में रहने वाला है ब्रेजा की बैजिंग के साथ ठीक है जी। और यहाँ पे क्या रहेगा वो आप चेक कर सकते हो, रेड इंसर्ट्स आपको मिल जाते हैं और सिल्वर कलर की स्किट पेट वाला पार्ट है और अगेन ब्रेजा की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, अगर किसी भाई को नॉर्मल स्किट प्लेट चाहिए तो स्किट प्लेट मिल जाएगी, जिसकी कॉस्टिंग 1400 रुपये आती है ठीक है। एबीएस गार्ड लगाएंगे 6500 इसकी कॉस्टिंग पड़ती है, अगर आप फाइबर में जाएंगे 4500 इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी भैया। तो ऑप्शन आपके पास काफी सारे अवेलेबल मिल जाते हैं ठीक है भैया। साइड प्रोफाइल से रूफ फील लगा दी अपन ने, पेस्टिंग वाला पार्ट ठीक है जी। गाड़ी ला लो, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चेक कर लो। सिल्वर विद ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ अपनी रहने वाली है, इसकी कॉस्टिंग 2600 रुपये आती है रूफ फील की, अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की ठीक है। अगर हल्के में जाएंगे तो 1800-2000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, इसमें वैरायटीज आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। साथ में बैक साइड में रियर रिफ्लेक्टर लगाया था भैया, स्कैनिंग मोड वाला, स्कैनिंग मोड अभी अपना जो है नॉर्मल मोड पे रहने वाला है, इंडिकेटर और पार्किंग जो है वो भी इसके साथ वर्क करेगा ठीक है जी। ठीक है भैया, साथ में अलॉय जो हम दिखा चुके हैं, इसकी कॉस्टिंग 23500 ठीक है, विद इंसुलेशन आपका रिम लेके प्रॉपर, अगर आप रिम लेके देंगे तो 1000 रुपये ऐड हो जाएगा आपका, जो भी सामान था भैया सारा सारा वापस दे रहे हैं, ये सब सामान, ये सब सामान भैया वापस हो जाएगा, जो भी मतलब निकलता है उसको वापस रिटर्न कर दिया जाता है ठीक है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर भैया, गाड़ी के अंदर सबसे काम है गाड़ी का सीट कवर रहने वाला है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो अपने फुल बकेट जो सीट कवर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे और ये अगेन कॉफी और ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ जो है यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। सेंटर में आप यहाँ पे प्रॉपर बर्फी डिजाइन वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। ब्लैक विद कॉफी का इंटीरियर रहने वाला है भैया, इस सीट की कॉस्टिंग 7500 रुपये आती है, प्रीमियम क्वालिटी का सीट को रहेगा, फुल बकेट लाइफ टाइम गारंटी वाले रहेंगे विद थाई सपोर्ट के साथ, ये आपको यहाँ पे थाई सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस क्वालिटी के रेंज आपको सीट को चाहिए वैसा मिल जाएगा, इस 12500-13000 तक के सीट को अपने पास रेडीली अवेलेबल रहते हैं, 4500-5000 स्टार्टिंग होती है। तो आप नॉर्मली तरीके की रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट जनरली जो रेंज रहते हैं वो 7500 कस्टमर प्रेफर करते हैं ठीक है। तो ये अपनी 7500 वाली रेंज जो है वो इसमें लगाई गई है। साथ में आमरे से गाड़ी रहे 2400 रुपये का, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, प्रॉपर जेन्युइन रहेगा, इसमें स्लाइडिंग वगैरह का फीचर जो है प्रॉपर वर्क करता है और ये अपना जेन्युइन रहने वाला है। रहेगा भैया फ्रंट यूएसबी लगा दी 1000 रुपये की, रियर यूएसबी लगा दी 1500 रुपये की, ये फ्रंट यहाँ पे अपनी फ्रंट यूएसबी जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं और रियर यूएसबी आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही जेन्युइन जो है वो भी रहने वाली है। साथ में भी लगा दी स्टीयरिंग मारुति जेन्युइन ZXI वाला, तो यहाँ पे आपको बिफोर लुक चेक करवाया था, ये आफ्टर लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर है और इसमें आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल बटन वर्किंग नहीं रहेंगे बट हाँ ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो प्रॉपर अपना वर्किंग आपको मिल जाएंगे। इसकी कॉस्टिंग में फुल फ्लेज कम जैसे भेजने करवाए इसमें 2000 रुपये रहती है। हाँ जी, कवर का कॉस्टिंग अलग से ज्यादा होती है। तो ये डुअल टोन कवर जो है वो भी कर दिया गया है, अपना मून रिंग के साथ आपको यहाँ पे देखने को ये मिल जाएगा। रियर हेडरेस्ट लगा दिया भैया 1000 रुपये के रेंज में दोनों पार्ट, तो ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, दोनों ही अपने पीसेज इंस्टॉल हो चुके हैं। बिल्कुल, साथ में भी लगा दिया चेकमेट वाली फ्लोरिंग अपनी कर दी है जो कि अपनी प्रीमियम क्वालिटी की जो है वो अपनी रहने वाली है और सबसे टॉप नॉच क्वालिटी की फ्लोरिंग जो है वो यहाँ पे अपनी करी गई है, या आप चेक कर सकते हो पूरा फ्लोर जो है वो अपना एक फ्लोरिंग के नीचे ढक चुका है अपना और चेकमेट की जो प्रॉपर बैजिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को जो है वो भी मिल जाती है। साथ में डैशबोर्ड लगा दिया मारुति जेन्युइन पार्ट 7 पीस का, 7 पीसेज में 4 पीस आप दरवाजे पे, 2 पीस आप डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 1 पीस आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा। इसकी कॉस्टिंग में 2400 रुपये किट ऑफ 7 पीसेज की ठीक है। अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज कराना है उसकी कॉस्टिंग 5500 रुपये, एक एसेसरीज वाला पार्ट आता है उसकी कॉस्टिंग 7500 रुपये, जैसा कुछ है वैसा मिल जाएगा। तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तीनों ही यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। इनर हैंडल लगा दिया चारों पार्ट मारुति जेन्युइन 500 रुपये के, तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो चारों के चारों जो है वो अपने चेंज हो चुके हैं। बिल्कुल, साथ में भैया हमने कर दिया दरवाजे में सॉफ्ट कुशनिंग कर दिया विद बर्फी के साथ ठीक है। ठीक है, आप ये देख लो यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को कुशनिंग मिल जाएगी और किस तरीके का फिट फिनिश है वो भी आप यहाँ पर एक क्लोजअप व्यू में चेक कर सकते हैं। लाइट K4 की एमएस लगा दिया 10 पीसेज वाली, तो यहाँ पे आप चेक करोगे जैसे ही आप इसको ऑन करोगे इसके अंदर आपको एक वेलकम फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है, रेनबो मोड के साथ आएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको किस तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसके अंदर आपको मोड वगैरह मिल जाते हैं। K4 लगा दिया भैया, इसकी कॉस्टिंग 6500 रुपये रहती है, अगर आप K3 लगा दें उसकी कॉस्टिंग 5500 रुपये रहती है, दोनों की एक साल की वारंटी होगी, दोनों सिम्फनी ब्रांड का रहने वाला है ठीक है जी। 4 पीस आपको जो है दरवाजों में, 2 पीस आपको डैशबोर्ड के ऊपर और 4 पीस अगेन आपको यहाँ पे फुटवेल्स में जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाने वाले हैं। साथ में अपने लगा दिया एंड्रॉइड डैप्स का 4GB RAM 64GB memory विद एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड के साथ, भैया बाहर खड़े इनका एंड्रॉइड कनेक्ट है यहाँ पे ठीक है। ठीक है, ये इनका मेन वो रहने वाला है, 4GB 64GB में रहेगा ये। तो ये इंटरफेस किस तरीके का आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगा। 9 इंच की अपनी स्क्रीन साइज रहने वाली है, ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। एप्लीकेशन वगैरह की बात करें तो क्रोम ब्राउजर है, DSP आपको मिल जाता है, डिजिटल साउंड प्रोसेसर, इसके अलावा मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं,
प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा, यूट्यूब वगैरह है, जेड लिंक के थ्रू आप इसके साथ एंड्रॉइड पर कारप्ले कनेक्ट कर सकते हो। इसका जो अपना एंड्रॉइड वाला फीचर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कारप्ले भी अपना जो है वो अपना कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, साथ में भैया चारों दरवाजे में लगा था GTO कंपोनेंट JBL के, पीछे लगा था ब्लॉबंग का कैमरा, ठीक है, आप उसका भी रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो। तो ये अपना कंप्लीट जो है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। डैम्पिंग वगैरह हुई थी वो भी प्रॉपर्ली डबल ईयर की गोल्ड सीरीज वाली, प्रीमियम काम हुआ गाड़ी में, प्रीमियम काम के साथ मतलब सारा A to Z जितना काम हो सकता है सारा काम जो है वो करा गया है। एक मिरर को छोड़ के शायद इसमें एक मिरर रह गया भैया जिसकी कॉस्टिंग 10,500 है। हाँ जी, इस गाड़ी में जो भी बजट होगा ना आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपको और काम करना है 10,500 का मिरर आ जाएगा, ठीक है। सनग्लास होल्डर है जिसकी कॉस्टिंग 3,300 आती है, बस ये दो चीज है, बाकी सब हो चुका है A to Z, बाकी ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो डन रहने वाला है। बाकी भैया ने स्पीकर और हाई एंड लिया, थोड़ा मीडियम पे भी जा सकते हो। ये वो स्पीकर किन लोगों के लिए रहने वाले हैं? इसमें भैया बेस ये जिनको बिना बेस ट्यूब के थोड़ा बेस ये उनके लिए बेस होता है JBL GTO के सीरीज, ठीक है जी। और इसमें चारों कंपोनेंट लगाए गए हैं, ऐसा नहीं कि आगे कंपोनेंट पीछे कोई एक्स्ट्रा लगाया है, चारों कंपोनेंट लगाए हैं, अच्छी सीरीज काम किया है इसके अंदर सिस्टम का। तो अब मिलते हैं कार के ओनर से, जानते हैं सर कैसा कुछ फीडबैक आता है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। हिमांशु। और भाई आपका नाम? संदीप। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बदरपुर, न्यू दिल्ली, दिल्ली से। बदरपुर से तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला? आपके चैनल के थ्रू ही आए थे वीडियोस वगैरह देख करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट थी सब चीजें आपको यहाँ पर मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मैक्सिमम सारा काम जो है वो अपना बेस टॉप का ही करवाया हुआ है। तो बात की जाए काम की फिनिशिंग वगैरह की, कैसा लगा काम आप? बढ़िया, एक नंबर। तो जो चीज़ आपने वीडियोस के अंदर चेक करी वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है? हाँ, वही वही। ऐसा तो नहीं वीडियो में हम लोग दिखाते कुछ है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बड़े भाई, जो चीज़ आपको वीडियो में मिलती है वैसे ही काम आपको मिल जाता है। 10 में से नंबर देना हो आपको कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 पूरे नंबर। भाई आपको काम वगैरह कैसा लगा? एकदम बढ़िया। कहीं कुछ कमी वगैरह आपने फील? नहीं, सब कुछ बढ़िया रहा। अगर आपको 10 में से नंबर देना हो कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में 10 पूरे नंबर। सजेशन भी आपको मिलने वाला है, तो आप रिकमेंडेशन जो है वो भी आपका जो है वो मिल जाएगा। क्या बजट रहा सर अपनी गाड़ी का सारा? गाड़ी का रहा 41 के आसपास। तो ये जो बजट रहा वो वर्थ रहा अपना, मतलब कि आपको लग रहा है कि जो वीडियो तुम्हें आज तक देखते आए उस तरीके से काम रहा? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहा जो अपना। अगर कल को किसी को रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। रिकमेंडेशन वगैरह? ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है और आप यहाँ तक आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है।